तो अभी ना मैं इन सारे कपड़ों को जो है ना सेटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि घर में इतना गंद मचा पड़ा होता है। ये जो मेरे प्यारे प्यारे कपड़े हैं, ये बेचारे वहाँ पे पड़े होते हैं उस कोने में, और कोई कपड़े कहाँ पे पड़े होते हैं। अब जैसे वो ये देखें जी, इसका ये जो है टूटा हुआ है बेचारे का, ये भी इसका टूटा पड़ा है। हाय, जाहिर है जब सारे एक मैसी हो जाए ना एक ही जगह पे सब कुछ, तो फिर ऐसे ही होता है कि चीज़ें जो है ना टूट जाती हैं। तो इन सबको मैं अलग अलग कर रही हूँ। ये बेचारी मेरी लैश, ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने इतने प्यार से लिया था ना, ये देखें इसका कितना प्यारा ये बना हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, यकीन करें कोई फंक्शन ही नहीं आता। मैं कहीं जाती हूँ नहीं, मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन के जाती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल ही दूँ। और ये वाला जो सूट है, ये वाला शायद मैं इसको किसी को दे दूँ। ये है तो प्यारा लेकिन मैंने एक बार भी नहीं पहना, इसलिए फिर मैं किसी को दे ही दूँगी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों से ना मेरे घर में इतना गंद मचा हुआ है, पता किस चीज़ का? मेरे कपड़ों का। और आज के व्लॉग में जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे कपड़े सेट करने लगी हूँ। ओ माय गॉड, हमारी को तो ना ही देखें तो बेटर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शर्टें हैं और मैंने ना सारा मैसी टाइप किया हुआ है। सारी शर्टों को ना एक बॉक्स में रखा हुआ है, दूसरे बॉक्स में दूसरी शर्टों को रखा हुआ है, तीसरे बॉक्स में तीसरी शर्टों को रखा हुआ है। और ये जो टॉप वन है ना, ये इसमें जो है ना ये सारे कपड़े हैं सर्दियों के, ठीक है, जो कि मैंने अभी इस सीज़न में यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स इन कपड़ों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो अभी इनको शिफ्ट किया जाएगा नीचे सबसे ये वाले कोने में, और जो ये वाले सारे कपड़े हैं ये जाएंगे ऊपर। और अभी जो मैंने वॉश करवाए हैं सारे, ये जो मेरे वॉश करवाए हुए कपड़े हैं ना, ये सारे मेरे बेड पे पड़े हुए हैं। रुके, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और जो मेकअप की सेटिंग है अभी वो भी मैं चेंज करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये सारा कितना मैसी हुआ हुआ है। ये मेरा मेकअप है सारा, ये मैंने बॉक्स से निकाल के इधर फेंक दिया। पता है क्यों फेंका है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें से अब मैं इनकी सेटिंग चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि ये जो लिपनर्स वगैरह, लाइनर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें और लिपस्टिक्स जो हैं ये मैंने अलग करनी है। इस तरह की चीज़ें, लाइनर्स और लिपनर्स, ये मैंने अलग करनी है, ठीक है। और जो मेरी दूसरी इस तरह की लिपस्टिक्स हैं, ये वाली टाइप की, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इस तरह की लिपस्टिक्स को मैंने अलग कर देना है, ठीक है। हाय अल्लाह, ज़ोर से नहीं फेंकती। और ये जो आई शेडोज हैं इनको अलग करके रखना है, क्योंकि ये सारी मिक्सअप हो जाती हैं कुछ। ये देखो मेरी टूट भी चुकी हैं, ये बेचारी इतनी प्यारी थी टूट गई है। ये इसका कहीं कोई पार्ट इसका कहीं जा रहा है, कोई पार्ट इसका कहीं जा रहा है। और इसके अलावा ये जो मेरे बेस हैं, ये बेस हैं मेरे, और इनके साथ के जो है ना ये पड़े हुए हैं इनके साथ के, वो डब्बा उल्टा ही हो गया। ये सारे जो है ना ये मेरे वो पड़े हुए हैं यार, इसको क्या कहते हैं, फाउंडेशंस। ये सारे जो हैं मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे, ये सारे जो हैं इनको मैंने अलग रखना है, ठीक है। क्योंकि जब मुझे मेकअप चाहिए होता है सारी चीज़ें ऐसे मिक्स हुई पड़ी होती हैं, इतना मैसी हुआ पड़ा होता है कि कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। और इसके अलावा जो ये मेरी नेल पेंट्स हैं कुछ बेचारी मासूम सी जो बच गई हैं, ये वाली बेचारी बच गई हैं, वरना बाकी सारी तो मैंने यूज़ कर करके ख़राब कर दी हैं, ठीक है। इनमें से कुछ हैं अभी भी, जैसे कि ये सारा मिक्सअप हुआ पड़ा है ना, पता ही नहीं चलता। तो इन सबको मैंने ना अभी अलग अलग करना है, इनको अलग अलग करके रखूँगी ना। एक ये मिल गई, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। इन सबको अलग अलग करके रखूँगी ना। एक ये ग्रीन, ये भी बहुत प्यारी लगती है जब इसको लगाते हैं। तो इन सबको ना मैं अलग अलग करके ना अलग एक जगह पे रखती हूँ। अभी ये देखो इसका क्या हाल हुआ है, इसका पता नहीं ऊपर वाला ढक्कन का है। ओ ये पड़ा है, ये देखें जी, इसका ये जो है टूटा हुआ है बेचारे का, ये भी इसका टूटा पड़ा है। हाय, जाहिर है जब सारे एक मैसी हो जाए ना एक ही जगह पे सब कुछ, तो फिर ऐसे ही होता है कि चीज़ें जो है ना टूट जाती हैं। तो इन सबको मैं अलग अलग कर रही हूँ। ये बेचारी मेरी लैशेज हैं, इनका भी ये कवर खुला हुआ है, यहाँ से ही गिर भी सकती हैं। तो इन सबको ना मैं अलग अलग करना है, ठीक है, इन सबका। और ये है मेरा कार्ड, ये मेरा कॉलेज का कार्ड है सेकेंड ईयर का, ये मेरा रोल नंबर स्लिप लिखा हुआ है, ये भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है मेकअप के अंदर। कौन रखता है अभी मेकअप के अंदर? और बस इनको ना भी दूसरी तरफ जो मैसी लुक है ना वो मेरे इन कपड़ों की है, ठीक है। ये मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं बेचारे, ये मैंने अभी न्यू शर्ट्स लाई थी, ये मैंने अभी पहनी नहीं है।
ये मेरी दूसरी पुरानी शर्ट्स हैं, ये मैं फेंक रही हूँ। और ये वाली जो मेरी शर्ट्स हैं ना, शर्ट ट्राउज़र, ये मेरे कैजुअल कपड़े हैं, ठीक है। ये सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं, ये कैजुअल ट्राउज़र है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ अक्सर, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। और ये मेरे स्लीपिंग सूट इसके नीचे पड़े हुए हैं, ये वाले सारे स्लीपिंग सूट्स हैं जो मैं अक्सर सोते हुए पहनती हूँ। और ये वाले भी सारे ट्राउज़र हैं, ये स्लीपिंग सूट हैं ये नीचे। और ये नई फ्रॉक मैंने लाई थी ये वो है। और ये सारी मेरी शर्ट्स हैं, और ये सारे कैजुअल कपड़े हैं, कैजुअल ट्राउज़र हैं। और ये वाली जो शर्ट है ना, ये वॉश करने वाली है, मतलब ये वाले सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, ठीक है। ये मेरा मेकअप है। और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये न्यू हैं, ठीक है। इनको मैंने अलग करके रखना है क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना न्यू कौन से हैं। और जो ये वाले सारे कपड़े पड़े हैं ना, यहाँ पे मैंने एक मैट्रेस डाला हुआ है, ठीक है। अक्सर मैं यहाँ पे ना, कभी कभी मेरा ऊपर बेड के ऊपर बैठने का दिल नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ जाती हूँ। ये एक छोटा सा मैट्रेस है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने अपने रूम में ही लगाया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही मेरी अलमारी है। अच्छा, तो ये वाले जो सारे कपड़े हैं ना, ये वाले ये फेंक देने हैं क्योंकि इनसे मेरा दिल भर गया। और अभी बस मैं इन सारे कपड़ों को ना फेंकने वाली हूँ, ठीक है। या फिर कुछ किसी को चाहिए हुआ तो वो दे दूँगी। और ये वाली जो मेरी अलमारी है ना, ये मेरे जो कपड़े हैं ना, ये सारे, ये वाले जो सारे लगे हुए हैं, इनमें से भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मैंने मतलब नहीं यूज़ करने अब, और इनकी भी सेटिंग करनी है। जो मुझे पसंद आया वो मैं रखूँगी, और जो नहीं पसंद आया वो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। ये वाले जो फैंसी टाइप कपड़े हैं ना, इनसे तो वैसे ही मेरा दिल भर गया क्योंकि कहीं मैंने जाना होता है नहीं। तो ये वाला जो ड्रेस है, ये मैंने इतने प्यार से लिया था ना, ये देखें इसका कितना प्यारा ये बना हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, यकीन करें, कोई फंक्शन ही नहीं आता, मैं कहीं जाती हूँ नहीं, मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन के जाती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल ही दूँ। और ये वाला जो सूट है, ये वाला शायद मैं इसको किसी को दे दूँ, ये है तो प्यारा लेकिन मैंने एक बार भी नहीं पहना, इसलिए फिर मैं किसी को दे ही दूँगी, यही करूँगी। और ये वाली जो शर्ट है, ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी। और ये वाला जो सूट है, इसको भी निकालना है बाहर, ठीक है। इन में से कुछ कपड़े जो है ना, मैं निकाल लूँगी, ठीक है। बाकी ये मेरे ईद वाले ड्रेसेस हैं, ये मेरा ईद का ड्रेस था, ये मुझे बड़ा पसंद है, माय फेवरेट। ये वाला ड्रेस भी मेरा ईद का है, और ये सिर्फ एक एक बार मैंने पहने हुए हैं बस, उसके बाद फिर यहाँ पर ये बेचारे रहते हैं। ये वाला भी मेरा ईद का ड्रेस है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस था। तो अभी ना मैं इन सारे कपड़ों को जो है ना सेटिंग करने लगी हूँ क्योंकि घर में इतना गंद मचा पड़ा होता है। ये जो मेरे प्यारे प्यारे कपड़े हैं, ये बेचारे वहाँ पे पड़े होते हैं उस कोने में, और कोई कपड़े कहाँ पे पड़े होते हैं। अब जैसे वो देखो, वो मेरा जो वो वाली शर्ट है ना, ये वाली, ये अभी बेड के नीचे से निकली, अभी मैं बेड के नीचे की सफाई करने लगी थी तो वहाँ से मुझे मिली है। तो इनमें से जो नहीं पहने मैंने कपड़े, वो मैं फेंकने लगी हूँ, और जो मैंने पहने हैं वो वाले मैं अलमारी में ना सही तरह से सेटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे कपड़े हैं और इतना मैसी लुक क्रिएट हुआ है। यू कैन सी दैट, ये जो सारे कपड़े हैं इनकी भी मैं सेटिंग करने लगी हूँ। इनमें से भी बहुत सारे अभी ऐसे कपड़े हैं जो कि अभी मैंने निकाल के फेंक देने हैं, मैंने अभी नहीं पहनने, और अभी बस मैं यही करने लगी हूँ। फला आज संडे है, तो आज मेरा संडे जो है ना सारा इसी काम में बिज़ी होने वाला है, इसी काम में ही मेरा संडे गुजरने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा काम है। पहले मेकअप की सेटिंग करना, फिर कपड़ों की सेटिंग करना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे कपड़ों की सेटिंग लग रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, स्पेस भी कम है। और अभी जो ये वाले मेरे कपड़े हैं न्यू वाले, कैजुअल, ये एडजस्ट करने हैं, ये न्यू वाले कपड़े ये इस अलमारी में एडजस्ट करने हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। और अभी तक मैंने किया नाश्ता भी नहीं है, तो अभी मैंने नाश्ता भी करना है, और फिर इसके बाद जो है ना मैं ये काम शुरू करती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, और अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। अभी कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए मैंने जो है ना व्लॉग स्टॉप कर दिया था। बाकी मेरे जो रूम की सेटिंग है वो हो गई है, मैंने जो कपड़े वगैरह वो अलमारी में सारे सेट कर दिए हैं, बाहर वाले भी और कैजुअल भी, और जो फेंकने वाले थे वो भी फेंक दिए। अभी शुक्र है कि जो मेरा सबसे बड़ा काम होना था ना, मतलब रहता था ये काम, तो अभी ये काम कम्प्लीट हो गया है। और अब जो है, अब मैंने बनाना है खाना, अभी मैं नहा के आई हूँ, और मेरे बाल भी अभी गिले हैं, तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, और खाने के बाद जो है अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो हाफिज़, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, टेक केयर।